राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाई सुनीता में। ये अश्वगंधा का पौधा है, ये एक दिव्य औषधि है और ये कई सारी बीमारियों में कारगर है और ये लगाना भी बहुत ही आसान है। इस पे ऐसे ये जो ग्रीन फल हैं लाल लाल हो जाते हैं, जो पक कर के गिलोय की तरह लगते हैं और इन्हीं के बीजों से फिर हम पौधे नए नए लगा सकते हैं। और इसको अश्वगंधा नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में। इस टाइम इसका बहुत अश्वगंधा दिव्य औषधि है। इसके पत्ते, बीज और तना, जड़े सभी काम में आते हैं। इसको प्रयोग करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है। ये इसके बीज हैं, इसके बीजों से हम नए नए पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए रेड कलर के जो ये है, इसमें छोटे छोटे बीज हैं और इससे एक बीज से ही सैकड़ों पौधे निकलते हैं। ऐसे बहुत संख्या में इसके बीज आते हैं। इसको सेवन करने का तरीका है, अगर किसी को शारीरिक कमजोरी है तो या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको दो पत्ते सुबह खाली पेट खाएं 8 दिन तक चबाकर गर्म पानी से, और उसके बाद फिर 8 दिन बंद कर दें और फिर 8 दिन शुरू करें। ये तो मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, बाकी और भी कई सारे फ़ायदे हैं। ये शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत कारगर है, हृदय रोगों के लिए भी। और सबसे बड़ी बात जो है इसकी, ये देखिए इसकी जो ये जड़ है ये भी इसकी कारगर है। अब नए नए प्लांट आ रहे हैं तो आपने जैसे निकाला तो इसकी जड़ को निकाल करके उबाल लीजिएगा गर्म पानी में, और उबाल के इसको पीने से इसके काढ़े को पुराने से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। तो बस ये छोटी सी अमृत जड़ी बूटी जो कि आराम से उग जाती है, और आसपास अगर किसी को पहचाने तो ये सड़कों के किनारे भी आपको मिल जाती है। और नर्सरी में तो आजकल बहु मात्रा में इसका सेल हो रखी है, तो इस पौधे को ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। और ये औषधीय गुणों से भरपूर पौधा, बस ये छोटी सी जानकारी अश्वगंधा पे। कृपा दूसरों को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि अश्वगंधा पे छोटी सी जानकारी कैसी लगी। ये हमारे यहाँ तो इसको अश्वगंधा बोलते हैं, वैसे इसके बहुत सारे नाम हैं। आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ये भी मुझे लिख करके बता सकते हैं। फिर किसी जानकारी के साथ मिलती हूँ। राधे राधे।